राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत PCPNDT एक्ट संबंधी कार्यशाला का आयोजन विजय चौराहा स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें तीन मंडलों गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़ के AD हेल्थ, CMO एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का शुभारंभ AD हेल्थ डॉक्टर रक्षा चतुर्वेदी, CMO डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे सहित मंडल के अन्य CMO द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यशाला में अपर निदेशक स्वास्थ्य ने कहा कि भ्रूण हत्या एवं लिंग परीक्षण दंडनीय अपराध है और PCPNDT के एक्ट के तहत सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। सभी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को PCPNDT एक्ट का कड़ाई से पालन करना होगा। इसमें किसी भी तरह के उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित केंद्र के खिलाफ PCPNDT एक्ट के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर लिंग परीक्षण न करने का बोर्ड एवं अन्य सूचनाएं स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने बताया कि PCPNDT एक्ट का कड़ाई से पालन कराने के लिए जनपद स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी केंद्रों के जाँच रिपोर्ट का गहन अध्ययन करके जिलाधिकारी व समुचित प्राधिकारी को अपनी आख्या देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे व प्रभारी AD हेल्थ डॉक्टर रक्षा चतुर्वेदी ने कहा, स्तर पर यूपी को चार भागों में बांटा गया और चार भागों में बांटकर रीजनल वर्कशॉप के माध्यम से सेंसिटाइज करने का ये प्रयास है। आजमगढ़ मंडल, जिसके PCPNDT सलाहकार समिति के सेशन कहीं बना के लगवा दो और NGO किया जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों से इस कार्यशाला का एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीक लिंग एवं लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 है और फीमेल फ्यूटिसाइड पे लगाम कसने की कोशिश। इनको मैं संक्षेप में बताता हूँ कि भारतीय समाज में महिलाओं को प्रारंभ से फीमेल फ्यूटिसाइड का एक दूसरा बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि उनका वंश आगे बढ़ाए। इसके कारण फीमेल फ्यूटिसाइड को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ इसका एक अन्य कारण यह है कि पुत्र ही हमारा अंतिम संस्कार कर सकता है, जिसके कारण फीमेल फ्यूटिसाइड को भी बढ़ावा मिलता है। और अन्य कारण ये है कि पुत्र रहेगा हमारे बुढ़ापे में, अगर रहेगा तो वो हमारा साथ देगा और हमारी देखभाल करेगा और हमारी जो ये पीढ़ी है वो पुत्र के द्वारा ही आगे बढ़ सकती है। इसी कारण लोगों के मन में ये विश्वास जा रहा है कि महिलाएं अगर बच्ची रहेगी तो हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा, या और भी अन्य कारण है जिसके कारण फीमेल फ्यूटिसाइड को बढ़ावा मिल रहा है। इस एक्ट का मुख्य मोटिव यही है कि लैंगिक असंतुलन को पता करना और उसे किस तरीके से रोका जाए। इसी कारण इस एक्ट का निर्माण किया गया है। इस एक्ट में मुख्य रूप से तीन चीजों का पंजीकरण किया जाता है, प्लेस, मशीन और पर्सन। अगर अल्ट्रासाउंड आप कोई लाइसेंस लेता है तो सर्वप्रथम उस परिसर का पंजीकरण करते हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन रखी जानी है, मशीन का पंजीकरण किया जाता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति या डॉक्टर का पंजीकरण किया जाता है जो अल्ट्रासाउंड मशीन को चलाएगा। एक्ट के द्वारा क्या क्या प्रोहिबिशन और रेगुलेशन लगाए गए हैं, जो आपको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो कि हमारे प्रत्येक जनपद में समुचित प्राधिकारी PCPNDT के अंतर्गत जिलाधिकारी महोदय को घोषित किया गया है, तो हर महीने की 5 तारीख आपको उस मंथली रिपोर्ट को कंसर्न नहीं है, लेकिन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन कर रहा है, मतलब जो हमारे 0 से 6 वर्ष के लोग हैं वो भी कई जिलों में काफी डिक्लाइनिंग है, तो उसको हमें रोकना आवश्यक है, उस पर प्रिवेंशन की आवश्यकता है, उस पर हम कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी एक चर्चा की जाएगी। सिर्फ एक ट्रेंड अगर हम देखें, का एक ट्रेंड है तो 945 अगर हम देखें इंडिया का था, उत्तर प्रदेश का 927 था, जो कि डिक्लाइन करके 919 और 902 पे पहुंच गए। तो ये नेक्स्ट ले लो, 0 to 6 वो डिक्लाइन करते जा रहा है। नेक्स्ट, ये कुछ स्टेट्स की फिगर्स हैं। मेजर कंसर्न है कि 902 हमारे उत्तर प्रदेश का है, मतलब 1000 लड़कों पे 902 लड़कियों का अनुपात है। हरियाणा, पंजाब इनमें 8.5 से भी नीचे आ गया है। लेकिन इधर हरियाणा और इन लोगों ने कुछ अच्छे एक्शंस लिए हैं, जिसमें कल शाम को भी एक पत्र आया है DG महोदय का, जिसमें ये किया गया है कि जो इंस्पेक्शन हमारे अदर स्टेट की टीम है आके कर रही है, डिकॉय जैसे हो रहा है, मुखबिर योजना चल रही है, तो राजस्थान और हरियाणा की टीमें आके उत्तर प्रदेश में छापे मार रही हैं। तो उसकी कल एक पत्र आया है कि जो भी हमारे स्टेट नोडल साहब, सहवाल साहब शायद नामित हुए हैं,
कि सहवाल साहब कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी टीमें आएगी उनको हम फुल कोऑपरेट करेंगे छापा मारने में। तो ये पश्चिमी जो जनपद है और हमारे आगरा से सटे हुए जनपद है वहां पे ये डिकॉय चल रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं है, इसको हमें डिकॉय करना होता है। राज्य में पीसीपी एनडीटी को की गई है जबकि इसे वो सूचना देगा विभाग को। नेक्स्ट, ये PCPNDT एक्ट बना हुआ है जिसमें कि अगर हम अल्ट्रासाउंड सेंटर्स इसका दुरुपयोग इन द सेंस कि अगर भ्रूण सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर इसका उपयोग हो रहा है तो इसके लिए ये PCPNDT एक्ट बना हुआ है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि इस तरह का कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन जैसी चीज़ें अल्ट्रासाउंड सेंटर वालों को न के द्वारा न किया जाए। ऐसे तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही उपयोगी है जो कि और सारी बीमारियां भी बच्चों में इंटरनल लाइफ में बच्चों में बीमारियां होती हैं जिसके लिए ये उपयोग करें, लेकिन खासकर सेक्स डिटर्मिनेशन की बिल्कुल ना करें। अगर करते हैं तो इसके लिए एक्ट बना, PCPNDT एक्ट बना हुआ है जिस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। बीच बीच में अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की हम लोग जाँच करते रहते हैं। इसमें फार्म एफ है जो कि सबको भरना है कि कोई भी अगर गर्भवती महिला जाती है तो आप किस लिए क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, आप उसको लिख करके रखेंगे और अगर ये फॉर्म नहीं पाए जाते हैं तो हम लोग उसकी कार्रवाई करते हैं। कभी कभी तो क्या करते हैं कि हम लोग डिकॉय एक चीज़ है जिससे कि एक गर्भवती एक मदर को भेजा जाता है, बना करके भेजा जाता है और जा करके ये कहे कि हमको इस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन कराना है। तो अगर वो अल्ट्रासाउंड सेंटर राज़ी हो जाता है और करने लगता है तो तुरंत हम लोग उसको अरेस्ट करते हैं और उसके लिए सज़ा का प्रोविज़न है, सज़ा दी जाती है, अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद कर दिए जाते हैं। उसी की एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें सब लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि और भी अच्छी तरह से हम लोग अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच करें और सेक्स डिटर्मिनेशन नाम की कोई चीज़ ना हो जिससे सेक्स रेशियो जो डिस्टर्ब हो रहा है पुरुषों में बच्चों में ज़्यादा मेल बेबी ज़्यादा हो रहे हैं फीमेल बेबी कम हो रहे हैं। तो जिन जिलों में मेल बेबी ज़्यादा है फीमेल बेबी कम है उन जिलों में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि वहाँ कहीं ना कहीं सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, इस वजह से सेक्स डिस्क्रिमिनेशन कम हो रही है। डॉक्टर रक्षा चतुर्वेदी का हमारी जो है रीजनल कार्यशाला है जिसमें गोरखपुर आजमगढ़ बस्ती मंडल से सभी अपर निदेशक CMO साहब लोग और सभी डॉक्टर्स आए हैं। यह PCPNDT नियम के तहत ये कार्यशाला आयोजित की जा रही है जो कि बहुत अच्छा ये नियम है। इसमें जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हैं उस पर हम इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं की जाँच या बीमारी के लिए ही करें, न कि इसका दुरुपयोग हो। और इसका हम उपयोग सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कतई न करें। इसके लिए हम समय समय पर जांच टीम बना करके वहाँ पर हम जांच करते हैं और अगर कोई इस तरह की सूचना मिलती है तो हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं क्योंकि इसमें दंड का भी प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है और इसमें कम से कम 3 से 5 साल तक का कारावास भी है। क्योंकि अगर इसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा तो समाज में हमारी लड़कियों की संख्या जो है कम हो जाएगी और उससे हमारा सेक्स रेशियो पर बहुत ही असर पड़ेगा और इसीलिए यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिससे कि सभी को नियमों की जानकारी हो और इसका सही तरीके से अनुपालन हो।